कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक मूल विदिशा की धरा से आता हूँ। हम सभी इतिहास के छात्र हैं और आज ये चर्चा भी ऐतिहासिक होगी ऐसा मेरा मानना है। आज हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव की जिस परंपरा का उद्घाटन कर रहे हैं, मुझे लगता है ये परंपरा भविष्य में आने वाले सभी विद्यार्थी तथा शोधार्थियों के लिए लाभदायक होगी। हम सबको विश्व के इस विराट लोकतंत्र को समझने तथा छात्र जीवन में उसमें भागीदार बनने का यह अवसर मिला, उसके लिए CUH तथा सभी माननीय प्रोफेसर का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। यह चर्चा हम सबके भीतर कभी ना बुझने वाले ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करेगी और एक नव क्रांति का संचार करेगी, ऐसा मेरा मत है। मैं हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी विभाग के प्रमुख के चुनाव में आप सबका प्रतिनिधि बनने का इच्छुक हूँ। एक बात और, विभाग के मैं सभी विद्यार्थी ही नहीं शोधार्थी भी हैं और आप सबका नेतृत्व स्टूडेंट काउंसिल में मुझ साधारण से व्यक्ति के लिए गर्व तथा हर्ष का विषय होगा। धन्यवाद। और अब मैं आप उस विषय की ओर बढ़ना चाहूँगा जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसे कौन से विषय हैं जिनमें सुधार की गुंजाइश है तथा ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर कभी कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता? ये मेरा मैनिफेस्ट है, आप सबने इसको देख ही लिया होगा, मैंने सबको तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करा। मेरा फर्स्ट कंसर्न है सैनिटरी पैड्स इन फीमेल वॉशरूम। जिस देश में 5000 पुरानी सभ्यता में, जिस देश में कामाख्या जैसे पीठ शक्ति पीठ हो, उस देश में आज भी ऐसे विषयों पर खुले में चर्चा करना शर्म का विषय माना जाता है, इस पर मुझे शर्म आती है। और आप किसी देश का भविष्य अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए विश्वविद्यालयों को हमें देखना होगा। और आज जब हमारे विश्वविद्यालयों में ऐसी चर्चा नहीं हो सकती, ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, तो आप किसी गाँव में किसी ढाणी में क्या ही गुंजाइश सोचते हैं और समझते हैं, ये बड़े चिंता का विषय है। और इसको मैं अगर डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता हूँ, स्टूडेंट काउंसिल में बैठता हूँ, तो वहाँ इस विषय को मैं पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। सेकेंड है एक्सटेंशन ऑफ वाईफाई लिमिट टू 100 GB पर मंथ। बच्चों को 30 GB 60 GB जो भी वाईफाई डेटा मिलता है वो पूरा नहीं हो पाता है। हमारी क्लास में आस्था की है जो यहाँ नहीं है किसी कारणों से, उनका ये शिकायत था कि उनका जो डेटा है उनका पढ़ाई लिखाई में मतलब कम पड़ जाता है, जिससे हमें और अतिरिक्त डेटा की आवश्यकता है। इस कंसर्न को भी मैं अगर डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता हूँ तो पुरजोर तरीके से डिपार्टमेंट एडमिन ब्लॉक में उठाऊंगा। वन डे मेंशन लीव फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, हॉट एंड कोल्ड वाटर मशीन विद RO एंड UV प्योरीफायर्स। शिमला से आए ठंडा हो जाता है हमारा महेंद्रगढ़ और हम इस ठंडे वातावरण में ठंडा पानी पिएंगे तो हम कहाँ, क्या हम भी बहुत ठंडे हो जाएंगे और फिर कैसे पढ़ पाएंगे, ये बड़ा गलत। लाइब्रेरी असिस्टेंट 12 बजे तक। हमारे आशीष भैया UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10:30 तक वो लाइब्रेरी में बैठते हैं, खाना भी खाना होता है तो बड़ी दिक्कत है। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में 12 बजे 10:30 का वहाँ भी टाइम है हॉस्टल का, लेकिन 12 बजे तक लाइब्रेरी एक्सेस वहाँ मिला है। तो हरियाणा में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा ही मिल सकता है। और मैं अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता हूँ, आपका नेतृत्व करने का मुझे मौका मिलता है, तो इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये काम मैं करवा कर रहूँगा। इंश्योर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। हम लोग 2000 किलोमीटर दूर से आए, थैंगटोम असम से आया है, मध्य प्रदेश से आए, कई जगह से बच्चे आए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कोई बच्चे को मार देता है, किसी लड़की पर कोई कमेंट पास कर देता है, कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है और बच्चे लोग उल्टा उसको समझाते हैं बेटा मत करना, अगर कोई शिकायत करोगे तो और कुछ हो जाएगा। ये 2 दिन के मैंने खुद स्वयं उदाहरण देखे हैं, कल और परसों कैफेटेरिया पर। तो इन सब चीज़ों का ये हमारी सबकी सुरक्षा ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। और हम 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता से आते हैं जहाँ ऋषि और गुरु ऋषि परंपरा रही है, गुरु से परंपरा रही है, वहाँ भी सिक्योरिटी जंगलों में भरे पढ़ाई होती थी, लेकिन सिक्योरिटी बड़ा कंसर्न था। जो भी सेनापति होते थे वो अपने धनुष बाण लेकर खड़े रहते थे द्वार पर ताकि कोई भी स्टडी में डिस्टर्ब ना कर पाए, लेकिन यहाँ वो माहौल नहीं है और ये बहुत बड़ा कंसर्न है। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, जब केंद्रीय विश्वविद्यालय की ये स्थिति है तो आप बताइए कि हम जिस धन बल की बात करते हैं गाँव में क्या स्थिति होगी। और हम देश का भविष्य, हम देश को भविष्य बनाएंगे। इंश्योर रेगुलर क्लीननेस एंड प्रॉपर सैनिटेशन इन द डिपार्टमेंट। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वच्छता ही सेवा है और महात्मा गांधी भी कहा करते थे, लेकिन मुझे शर्म आती है कि एक दिन HOD सर को कहना पड़ा कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा अगर तुम लोग साफ सफाई नहीं करोगे, ये स्थिति है। स्ट्राइव टू क्रिएट हेल्दी डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट इन द यूनिवर्सिटी। सभी लोग कोई 100 जनों की भीड़ में एक बच्चा अपनी आंखों में आके डालकर 99 लोगों की अपनी बात रख पाए, सहजता से रख पाए, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल इस यूनिवर्सिटी में क्रिएट होना चाहिए, डिपार्टमेंट में क्रिएट होना चाहिए। अगर मैं डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता हूँ तो इसके लिए मैं पुरजोर कोशिश करूँगा और ऐसा एनवायरनमेंट मैं बनाकर रहूँगा। क्यों बच्चे यहाँ कहते हैं कि JNU ऐसा है, क्यों बच्चे कहते हैं कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हमारी क्लास में सीटें खाली रह गई, क्यों रह गई,
उसका कारण ये है, ये जब तक पूरा डेमोक्रेटिक माहौल नहीं होगा, हम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र हम अपने आप को कहते हैं, जब हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय में ये स्थिति है, हम किस प्रकार से विश्व गुरु बनने की और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मांगने की व्याख्या करेंगे। रेगुलर कॉन्फ्रेंसेस ऑफ वाइट लॉरिस्ट एंड हिस्टोरियंस इन द डिपार्टमेंट। अगर मैं डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता हूँ तो मैं हिस्टोरियंस लाइक मीनाक्षी जैन, रोमिला थापर, आर्ट लॉजिस्ट, पूरी कोशिश करूंगा एडमिन बीसी सर से बात करके कि भैया रेगुलर कॉन्फ्रेंस हमें चाहिए, हमें मीनाक्षी जैन को सुनना है, हमें विक्रम संपत को सुनना है, हमें रोमिला थापर को सुनना है, हमें इरफान हबीब को सुनना है, हमें हरवास मुखिया को सुनना है, क्यों नहीं इस डिपार्टमेंट में जिस देश में 1,12,000 करोड़ शिक्षा का बजट है, क्यों नहीं आ सकते। फैसिलिटीज लाइक लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी विद द इन्वेंटरी ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बुक्स। अभिनंदन सर हर 8 दिन में पीपीटी दे देते हैं, सबके पास तो लैपटॉप नहीं है, कहाँ से बनाएंगे पीपीटी, आप ये बताइए। तो एक ई लाइब्रेरी होनी चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी होनी चाहिए विद द इन्वेंटरी ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बुक्स। सबसे बड़ा कंसर्न है हिंदी, बच्चों को हिंदी में किताबें नहीं मिलती, हमें बड़े शर्म का लगता है कि जब हमें तो मिल जाता है मटेरियल, लेकिन हमारे जो साथी पढ़ रहे हैं उनको हिंदी में किताबें नहीं मिलती। महात्मा गांधी ने कहा था हिंदी हृदय की भाषा है, क्या हृदय की भाषा में क्वेश्चन पेपर नहीं बना पाता केंद्रीय विश्वविद्यालय? महात्मा गांधी देश में हिंदी में अगर क्वेश्चन पेपर आप नहीं बना पाओगे और आप 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के चरण छूओगे और लोटा पूरी करोगे तो क्या मतलब है? हमें इस ढोंगी वातावरण से आपको सबको छुटकारा दिलाऊंगा, ये दोगला पर नहीं चलेगा। राजस्थान बगल में 100 किलोमीटर और राजस्थान ऐतिहासिक भूमि, हमने राजस्थान का मुंह नहीं देखा 4-5 महीने यहाँ हो गए। तो एजुकेशनल टूर्स में 6th क्लास में था जब मैं राजस्थान सबसे पहली बार गया था और तब मैंने सोच लिया था कि मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा। मेरे घर वालों ने मुझे मैथ्स लेने का कहा, मैंने कॉमर्स किया लेकिन मैं मास्टर ऑफ हिस्ट्री में आ गया बिकॉज ऑफ मैंने राजस्थान में 6th क्लास की स्कूल में गया था। एसेस टू इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस एंड इंडियन आर्कियोलॉजिकल जनरल सोसाइटी जनरल। एसेस टू इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस एंड इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी जनरल। भैया हम तो गांव के आदमी हैं, यहाँ आए थे, बहुत पिचक्का रहता है कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी का ये है, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ना कभी हम भौतिक तरीके से देख पाए, ना सामने से देख पाए, ना वर्चुअल तरीके से देख पाए। तो भैया यूनिवर्सिटी क्यों हमें अरेंज नहीं कर सकती जनरल्स? अगर यहाँ रखा होगा इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ने क्या लिखा है, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ने क्या पब्लिश हुआ है। एचओडी सर कहते हैं मेरे पास जनरल्स हैं, एचओडी सर तो लाइफ मेंबर है लेकिन हमारे, और कहते हैं तुम लोग नहीं ले पाओगे, तब मैं हम कैसे लेंगे? हम अगर मैं डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता हूँ तो मैं बीसी सर से और एडमिन ब्लॉक में रजिस्ट्रार से, फाइनेंस ऑफिसर सर से, किसी भी प्रकार से दोनों जनरल्स, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के जनरल्स और इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के जनरल्स आपको लाइब्रेरी में सबको प्रोवाइड कराऊंगा किसी भी तरह। एसेस रेगुलर इंटेलेक्चुअल एंड प्रोडक्टिव डिस्कशन, डिबेट्स एंड डायलॉग। सबसे बड़ा मेरा पर्सनल कंसर्न ये, जिस मैं आया हूँ इस क्लास का ये हालत है कि हमारे मूर्धन्य प्रोफेसर कहते हैं कि डिबेट का जो भी मैंने क्लास में कहा ये बाहर नहीं जाना चाहिए। हम किस तरह के लोकतंत्र की बात करते हैं जहाँ एक प्रोफेसर जो 10 साल रिसर्च करके यहाँ आए उन्हें क्लास में 20 बच्चों के सामने ये कहना पड़ जाए कि ये क्लास की बात है, क्लास तक रहनी चाहिए, ये कैसा माहौल है पढ़ाई लिखाई का? इसको ये सबसे बड़ा कंसर्न बच्चों की नहीं, प्रोफेसर को ये कहना पड़ रहा है हमसे। और डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन, डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे हैं, हमारे एस जयशंकर साहब दुनिया को चले चप्पा रहे हैं, लेकिन यहाँ आप डिस्कशन का क्या स्थिति है? आप देखिए यूसीसी जैसे मुद्दों पर, 3 तलाक जैसे मुद्दों पर, हिस्ट्री के किसी मुद्दों पर कभी चर्चा करते हैं? कभी चर्चा नहीं कर पाते और कभी स्वस्थ चर्चा हो ही नहीं पाती। अनरिस्पेक्टिव ऑफ एनी आइडियोलॉजी। एक दिन का मैं आपके साथ सुनाता हूँ, हम अपने प्रोफेसर से 8 लोग बात कर रहे थे रात को, 8 या 9 बज रहे होंगे, तो एक प्रोफेसर को इंटरव्यू करना पड़ा कि सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे आपके साथ खड़े हैं, मतलब गुरु शिष्य परंपरा का हमारा देश, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और हमारे प्रोफेसर से अगर हम बात कर रहे हैं रात को 8:30 बजे, तो एक दूसरे प्रोफेसर को आकर कहना पड़ता है कि सर कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, बच्चे आपसे कोई गलत बात तो नहीं कर रहे? ये हमारा ये माहौल है केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा का। लेकिन ये माहौल अगर मैं डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता हूँ तो डिपार्टमेंट छोड़ो पूरी यूनिवर्सिटी में नहीं रहने दूंगा एट एनी कॉस्ट। इंश्योर हेल्दी एकेडमिक एनवायरनमेंट इन द डिपार्टमेंट टू एक्सप्लोर अवर इनर पोटेंशियल। फॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंटल कमिटी फॉर एड्रेसिंग इंटरिम कंसर्न्स। अगर मैं डीआर सुना चाहता हूँ तो हर क्लास से 2 बच्चों को लेकर हर मेडिवियल मॉडल
आर्कियोलॉजी एंड मेरी क्लास से बच्चों को लेकर और एक उनमें एक प्रोफेसर को इन्वॉल्व कर एक कम्युनिटी बनाऊंगा जो कुछ भी कंसर्न है डिपार्टमेंट का, हम लोग सब लोग मिलकर उसको सॉल्व करेंगे और सब लोग एडमिन ब्लॉक तक या हाईएस्ट अथॉरिटी तक ये बात पहुंचाएंगे। और मैं इतना कहना चाहूंगा, यदि आप मुझे वोट करते हैं तो हाईएस्ट अथॉरिटी की आंख में आंख डालकर मैं आपका नेतृत्व करने की क्षमता रखता हूँ। धन्यवाद। राम राम।